So hi everyone and very good evening to all of you. Welcome back once again to the channel. So I hope अब तक आपको पता चल ही गया होगा that admit card of NABARD grade examination is now out, right? And I hope your preparations are going well. अभी हम बात करेंगे that what should be the strategy from now. अभी से आपके आगे क्या क्या चीजें आपको करनी चाहिए और क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए. We will talk about that. But before that, let me tell you how you can download your admit card from the NABARD's website. So first you have to search on Google for NABARD. पहली वेबसाइट NABARD की आएगी. You have to open that NABARD's website. On the NABARD's website, you can find a link career notices, right? After clicking on that notice career notices, आपके सामने नीचे थोड़ा सा स्क्रोल डाउन करोगे तो यू विल गेट अ लिंक क्लियर. क्लिक हेयर टू कंटिन्यू, राइट? यू हैव टू क्लिक ऑन दैट. आफ्टर दैट द वेरी फर्स्ट लिंक ऑन द NABARD वेबसाइट विल बी ऑफ द एडमिट कार्ड, राइट? रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ ग्रेड ए RDBS राजभाषा कॉल लेटर फॉर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन. उसके नीचे एक छोटा सा लिंक दिया हुआ है डाउनलोड हेयर. इस पर क्लिक करोगे कुछ भी नहीं होगा. यू हैव टू क्लिक हेयर. डाउनलोड हेयर का एक छोटा सा लिंक है. यू हैव टू क्लिक ऑन दैट. एंड आफ्टर दैट यू हैव टू फिल इन योर क्रेडेंशियल्स, ठीक है? हिंदी इंग्लिश जिसमें भी आप चाहते हो यू कैन चूज आइदर ऑफ द लैंग्वेज. रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड एंड देन कैप्चा. रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पे भेजा है NABARD में, NABARD ने. तो जो भी आपका टेक्स्ट वाला जो मैसेज इनबॉक्स है उसको खोलोगे, उसमें NABARD सर्च करोगे तो यू कैन फाइंड दैट, राइट? मैंने भी अपना चेक किया है तो मेरा सेंटर सरिता विहार में है, मोहन एस्टेट, जो कि साउथ दिल्ली में है. तो अगर आप में से किसी का सेंटर वहां पे होगा तो जरूर मिलना होगा, राइट? नाउ कमिंग टू द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट व्हाट यू हैव टू डू नाउ. अभी आपको क्या करना है, तो तीन चार पॉइंट्स है जो कि मैंने आइडेंटिफाई करे हैं दैट अभी आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए. नंबर वन ये है कि मॉक टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो अभी यू गाइज मस्ट बी अटेंडिंग द मॉक टेस्ट. तो ये मॉक टेस्ट का सिलसिला हम 31st तक रखेंगे, उसके बाद हम मॉक टेस्ट नहीं देंगे. बिकॉज मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं दैट वन वीक प्रायर टू द एग्जामिनेशन मॉक टेस्ट देना हमें बंद कर देना चाहिए. बिकॉज एट दैट टाइम अगर एक मार्क्स कम आ गए मॉक टेस्ट में तो बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन हो जाता है, राइट? तो वन वीक बिफोर द एग्जामिनेशन मॉक टेस्ट देना बंद कर देना चाहिए. अभी आप दे रहे हो दैट इज वेल एंड गुड, देते रहो 31st तक देते रहो. बट अटेम्प्टिंग द मॉक टेस्ट इज नॉट इनफ. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आफ्टर अटेम्प्टिंग द मॉक इज द एनालिसिस ऑफ दैट मॉक टेस्ट. एंड ऐसा नहीं कि देख लिया कि क्या सही है और क्या गलत है, इसको हम एनालिसिस नहीं बोलते हैं, राइट? जस्ट टू फाइंड आउट विच क्वेश्चन इज रॉन्ग, विच क्वेश्चन इज राइट. इट इज कंप्लीटली नॉट एन एनालिसिस, राइट? यू हैव टू गो इन टू द डीप एनालिसिस ऑफ दिस मॉक टेस्ट, जिसके बारे में अभी अनुसर ने रिसेंटली वीडियो बनाई थी, राइट? हाउ टू डू दैट. इसके बाद जो सेकेंड पॉइंट है दैट इज कि क्या अभी कोई नई चीज पढ़नी चाहिए. तो नई चीज में अगर आप पढ़ना चाहते हो तो वो सिर्फ करंट अफेयर्स होना चाहिए अभी. बिकॉज बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि जो NABARD है, RBI है, SEBI है, जो रेगुलेटरी बॉडीज एग्जामिनेशन है और जो बैंकिंग एग्जामिनेशन होते हैं, उसमें कई बार ऐसा देखा जाता है कि एक हफ्ते पहले का भी न्यूज से क्वेश्चन आ जाता है. सो आई वुड रिकमेंड यू कि आप 31st अगस्त आप पूरा करके जाओ करंट अफेयर्स में. बट अगर मान लो ड्यू टू सर्टेन रीजन आप नहीं कर पा रहे हो, देन 25th अगस्त तक तो आपको करके जाना ही जाना है, आप उसको नहीं छोड़ सकते, राइट? इसके अलावा मैं रिकमेंड करूंगा कि कोई भी नई चीज मत करना स्टैटिक पार्ट में, ESI हो या ARD हो या कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, ठीक है? तीसरी चीज है रिवीजन, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट आई वांट टू डिस्कस हियर. रिवीजन इज द ओनली थिंग विद द हेल्प ऑफ विच यू कैन गो थ्रू दिस एग्जामिनेशन. रिवीजन अगर आपने अभी छोड़ दिया या रिवीजन कम किया, नई नई चीजों पर फोकस किया, तो देर इज अ चांस कि आपका जो एग्जामिनेशन है वो रह जाएगा, राइट? तो रिवीजन दैट इज द ओनली की टू सक्सेस राइट नाउ. अभी के लिए आपका ज्यादा टाइम जो है वो रिवीजन पे निकलना चाहिए. बिकॉज गाइस देर आर अ लॉट ऑफ डेटा, देर आर अ लॉट ऑफ फिगर्स, देर आर अ लॉट ऑफ एनुअल रिपोर्ट्स, देर आर अ लॉट ऑफ इंडाइसेस एंड करंट अफेयर्स, बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए. सो इतनी सारी चीजों को हमें रिकॉल भी तो करना है ना एग्जामिनेशन में, तो वो हम कैसे करेंगे रिकॉल? देर इज ओनली वन वे एंड दैट इज द रिवीजन. एंड रिवीजन के लिए ऑफकोर्स वी आर स्टार्टिंग विद द मैराथन सेशन फ्रॉम टुमोरो. कल से हम मैराथन सेशन की शुरुआत कर रहे हैं, तो आप वो भी देखोगे तो आपको ऑफकोर्स वहां से भी मदद मिलेगी, राइट? पॉइंट नंबर 4, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ द क्वालिफाइंग सेक्शन. जो क्वालिफाइंग सेक्शन है उसके पावर को मत अंडर एस्टिमेट करना. बिकॉज देखो यूपीएससी का मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं यहां पर. जब यूपीएससी में CSAT को लेकर काफी ज्यादा झगड़े हुए थे, तो यूपीएससी ने बोला ठीक है हम CSAT को क्वालिफाइंग कर देते हैं, राइट? बट आज का दौर यह है
कि यूपीएससी ने सीसैट को इतना मुश्किल कर दिया है कि 200 में से 66 मार्क्स बहुत सारे लोग नहीं ला पाते। सो दिस कैन बी द केस विद नाबार्ड। क्या पता ऐसा हो जाए कि वो क्वेश्चन पेपर इतना टफ बना दे कि आप में से कई लोग या हम में से कई लोग उसको क्वालिफाई ना कर पाए। सो जस्ट डोंट अंडर एस्टिमेट इट। बट मेरा ये ऐसा मानना है कि इतना मुश्किल कभी होगा नहीं, बट येस हम कुछ नहीं कह सकते एग्जामिनर के दिमाग का। आरबीआई के एग्जामिनेशन में देखा है कि कहां था 2019 का लेवल और कहां पहुंच गया 21-22 का और 20-21 का और 22 का, राइट? तो कुछ भी हो सकता है कभी भी, सो डोंट अंडर एस्टिमेट दैट। ठीक है, पॉइंट नंबर फाइव। पॉइंट नंबर फाइव अगेन वही है, रिवीजन। तो बेसिकली दीज आर 3-4 पॉइंट्स जिसके ऊपर आपको फोकस करना है। यस, पॉइंट नंबर फाइव ये था कि आपको ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। ठीक है, ये सिर्फ एक एग्जामिनेशन है गाइस। ठीक है, इससे आपकी लाइफ अग्री कि डिसाइड होगी, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ इससे आपकी लाइफ डिसाइड होगी। तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना, इट इज जस्ट अनदर एग्जामिनेशन। जब आप स्कूल कॉलेज का एग्जामिनेशन देने जाते थे तो क्या आप कभी स्ट्रेस लेते थे? नहीं ना। तो व्हाई आर यू टेकिंग स्ट्रेस राइट नाउ? सो अपने दिमाग को ठंडा रखो। ठीक है, ये बातें कहनी बहुत आसान होती है, आई नो, बट ये बातें आपको डेफिनेटली आगे लेके जाएंगे। क्योंकि अगर आप एग्जामिनेशन में बैठ के ड्यूरिंग दैट 2 आवर्स अगर ये सोच रहे हो कि यार मेरा एग्जाम निकलेगा या नहीं निकलेगा, क्या करूं क्या ना करूं, हाय राम मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, अब तो मैं फेल हो गया, भाई साहब आते हुए क्वेश्चन भी आप गलत करके आओगे एग्जाम, तो ये नहीं होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है, ऑफकोर्स थोड़ी बहुत नर्वसनेस होती है, वो हम सब इंसान है, तो नर्वसनेस तो एक नेचुरल फिनोमेनन है, वो होना भी चाहिए, नेचुरल बिहेवियर है, होना चाहिए, बट इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए कि आपकी जो पड़ी हुई चीज है वो खराब हो। सो इन 5 चीजों को आप भी आपको अपने दिमाग में रखना है और अपने प्रिपरेशन को आगे लेके चलना है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर एंड आई होप यू गाइज नो नाउ दैट वॉट यू हैव टू डू फ्रॉम टूडे ऑनवर्ड्स, राइट? सो या अगर कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड मैराथन सीरीज शुरू हो रही है, तो आई विल सी यू इन दैट मैराथन सेशन। गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।